राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में जुटी राजस्थान कांग्रेस में सियासी कलह खत्म होती नजर नहीं आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही जंग जारी है। किसी न किसी मौके पर दोनों नेताओं और उनके समर्थकों में सियासी वार देखने को मिल ही जाता है। अब ये जुबानी जंग पोस्टर वार में बदल गई है। हालांकि आलाकमान मौके मौके पार्टी के तनाव को दूर करने के संकेत देता रहता है। बीते 29 नवंबर को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गहलोत पायलट के हाथ थामे कुछ ऐसा ही संदेश दिया। दोनों नेताओं के हाथ खड़े करवाने के साथ ही कहा है कि कांग्रेस एकजुट है। संदेश और संकेत देने की जो कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश द्वार झालावाड़ में एक बार फिर पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आई है, जहां कुछ ऐसे नजारे देखने को मिले। सचिन पायलट भले ही खामोश हो, लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं कि नेता तो सिर्फ सचिन पायलट है। वजह यही है कि राहुल गांधी की यात्रा जिस झालावाड़ से एंट्री करेगी, वहां सिर्फ पायलट की ही तस्वीरें हैं। चौली गांव से लेकर झालावाड़ शहर तक सैकड़ों पोस्टर होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इन पोस्टर होर्डिंग्स में राहुल गांधी के साथ बड़ी तस्वीर सचिन पायलट की भी नजर आ रही है। खास बात यह है कि इन पोस्टर में गहलोत के कद को काफी कम दिखाया गया है। अब ऐसे में जब आज भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से झालावाड़ जिले के चौली गांव से राजस्थान में प्रवेश करेगी, तो पूरे रास्ते में सड़क किनारे और चौराहे पर लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स राजस्थान की सियासी तस्वीर भी बयां कर रहे होंगे। राहुल गांधी के स्वागत में स्थानीय नेताओं की ओर से लगाए गए पोस्टर्स और होर्डिंग्स में राहुल के साथ सचिन पायलट की बड़ी तस्वीरें हैं। कुछ में प्रियंका गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह भी है, जबकि संगठन के मुखिया प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तो पोस्टर से ही नदारद है। भले ही पार्टी आलाकमान कह रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन गहलोत पायलट के कट्टर समर्थक इस संदेश को स्वीकार नहीं करना चाहते। भारत जोड़ो यात्रा का कारवां गुज्जर बाहुल्य क्षेत्रों से गुजरेगा, जहां सचिन पायलट समर्थक नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके नेता की जल्द से जल्द ताजपोशी हो। कई विधायक बयान भी दे चुके हैं कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कांग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अक्सर बयानों से चर्चा में रहने वाले राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा तो यहां तक कह चुके हैं कि पायलट ही ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। उनका कहना है कि बिना कुछ फैसला किए ही कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत और पायलट में सुलह की बात कही है, लेकिन इससे पायलट समर्थकों में काफी निराशा है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।